हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों और बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर, जहां पर आपको मेरे साथ साथ कई टॉप एजुकेटर इस मंच पर हैं, जिनसे आपको पढ़ने का अवसर उपलब्ध हो रहा है। मैं विपिन मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ यूनिक आईएएस इंस्टीट्यूट प्रयागराज। मैं पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली तथा प्रयागराज की विभिन्न संस्थाओं में ज्योग्राफी ऑप्शनल एवं जीएस पेपर पढ़ा रहा हूं। गेट एक्सपर्ट गाइडेंस फ्रॉम दोज हु हैव क्रैक्ड इट एन एकेडमिक चैंपियंस कॉन्क्लेव फॉर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स सेशन बाय टॉपर्स एजुकेटर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। यदि इसमें आपको ये 20 से 22 नवंबर के बीच होगा, इसमें एनरोल होने के लिए आप हमारे कोड BIPIN10 के तहत एनरोल हो सकते हैं। स्पेशल प्राइस वीक जो ये सप्ताह है वो स्पेशल प्राइस वीक के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें ये 10 से लेकर 17 नवंबर के बीच जिसमें आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट दिया रहा है, जिसके बाद प्लस कॉम्बो की एक वर्ष की फीस 46,739 रुपये, आइकॉनिक कॉम्बो की एक वर्ष की फीस 63,989 रुपये और आइकॉनिक जीएस की फीस 60,345 रुपये। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आप सीख पाएंगे पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर सेशन, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल एंड अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर कोर्सेस। ये सभी सुविधाएं आपको अनएकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे यहाँ 17 नवंबर से एक वर्षीय और दो वर्षीय बैच जो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश तीन माध्यमों में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप आइकॉनिक बैच लेते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये सारी सुविधाएं आपको अलग से दी जाएंगी। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, BIPIN10 यूज करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी और 10% की छूट के बाद एक वर्ष की फीस 44,550 रुपये होगी। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, BIPIN10 यूज करने पर 10% की छूट आपको यहाँ पर भी मिलेगी और उसके बाद एक वर्ष की फीस 67,050 रुपये होगी। ऑप्शनल की फीस 27,500 रुपये है, BIPIN10 यूज करने पर 10% की छूट मिलेगी और उसके बाद जो फी है वो 24,750 रुपये या 2,063 रुपये पर मंथ, एक नर्सरी के बच्चे की फीस के बराबर है। चले बेटा, सभी लोग बेटा एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी बच्चों को इस सेशन का लाभ हो सके जो यूपीएससी सीएससी में जिसकी ज्योग्राफी बहुत ही कमजोर है और जो वास्तव में बहुत ज्यादा डरते हैं कि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा कठिन है, तो उनके लिए बेटा ये बहुत ही मददगार होगा। और फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, भारत का जो भूआकृतिक प्रदेश है या भूआकृतियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, इस प्रायद्वीपीय भारत की भूआकृति एवं उच्चावच को मुख्यतः 8 भागों में डिवाइड किया गया है। यदि 8 भागों में बात करें तो पहला है आपका उत्तरी मध्य उच्च पठार का क्षेत्र है, दूसरा दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र है, तीसरा पूर्वी का पठार है और चौथा मेघालय एवं मिकिर का पठार है, पांचवा दक्कन का पठार है, दक्षिणी दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत को मुख्यतः 8 उपभू आकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करें तो पहला बिंदु समझते हैं, जिसमें ये पहला बिंदु है अरावली। एक बिंदु समझिए बेटा, यहां पर है अरावली। अरावली का मतलब क्या है? अरावली जो है ये गुजरात के पालनपुर से लेकर, बेटा ये हमने कल पढ़ाया था, हाँ जी बिल्कुल बेटा, अरावली ये हमने कल पढ़ाया था। दूसरा हमने मालवा का पठार, ये भी हमने पढ़ा दिया था। ये आलम जो उत्तर मध्य पूछे हैं, ये है मालवा का पठार, ये भी हमने कल आपको कंप्लीट करा दिया था। तीसरा बेटा, यहां पर आप देख रहे हैं विंध्यन का पठार, ये भी हमने पढ़ा दिया था। बुंदेलखंड का पठार, ये भी हमने आपको बताया था बेटा, विंध्याचल, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार एंड मेघालय और मिकिर का पठार।
यहां से बेटा आपको पांचवा नंबर से पढ़ना था, उत्तरी दक्कन तथा महाराष्ट्र का पठार। एक बात समझिए बेटा, यह है आपका दक्कन का प्लेट्यू। हमने आपको बताया बेटा कि आखिर में दक्कन का निर्माण, ये जो दक्कन ट्रैप है, इस दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति दक्षिण पूर्व अफ्रीका के पास था। ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर संचरित हो रहा था। जब ये उत्तर पूर्व की ओर संचरित हो रहा था तो ये कई तप्त स्थलों से होकर गुजरा, कई ये हॉटस्पॉट से होकर गुजरा, जहां से मैग्मा और लावा का उद्गार हो रहा था। तो इसी मैग्मा और लावा के यदि हम कहें तो उद्गार के फलस्वरूप यहाँ पे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। और इस दक्कन के ट्रैप को मुख्यतः दक्कन के पठार को दो भागों में बांटा जाता है, एक उत्तरी दक्कन का पठार और दूसरा दक्षिणी दक्कन का पठार। दूसरा बिंदु आपको ध्यान देना है, बिल्कुल बेटा, एंड सौरभ कुमार बहुत अच्छा बेटा, एंड कल्पना दीक्षित गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग वैभव पांडे, बिल्कुल बेटा आप लोग मेहनत करें बेटा, जरूर सफलता आपको मिलेगी। एंड सौरभ कुमार बेटा प्रीलिम्स हो गया है, बहुत अच्छा बेटा, हमारी क्लासेस बेटा, लेकिन आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लिए होंगे, ये तो सब्सक्रिप्शन लोगे बेटा तो कल से या हो सकता है बेटा कि 18 से हमारी क्लासेस में आंसर राइटिंग के लिए आपको प्लस पर पढ़ाऊंगा बेटा, प्लस पर। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। यदि आप भी हमारे साथ आना चाहते हैं तो हमारे कोड BIPIN10 के तहत सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा। सौरभ कुमार, अरविंद सिंह बेटा, गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है, ओके। चलिए चलिए, बिल्कुल बेटा, अब हम एक एक मुद्दों पे बात करेंगे बेटा, सभी बच्चे तैयार हो जाएं और सेशन को अच्छे से समझने के लिए। ये जो महाराष्ट्र का पठार है, इस बेटा हमने आपको एक अगले सेशन, पिछला जो सेशन एक बार हो चुका है उसमें बताया था कि उत्तरी जो दक्षिणी का जो दक्षिणी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान को तीन भागों में बांटा जाता है, कोंकण का मैदान, कनारी का मैदान और मालाबार का मैदान, या कोरू मालाबार का मैदान। ध्यान से समझिएगा, तो इस प्रकार आप यहां से महाराष्ट्र के पठार में कोरोमंडल के तटीय मैदान और सह्याद्री, सह्याद्री एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक यदि हम कहें तो घाट से होता है, यह सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत को छोड़कर लगभग पूरा महाराष्ट्र इसी पठार के भाग हैं। पूरा महाराष्ट्र यदि आप देखते हैं तो महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र के पठार पर 13 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग के लावे की मोटी परतें पाई जाती हैं। जो आप देखते हैं ये महाराष्ट्र का पठार है, इस महाराष्ट्र के पठार पर 13 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग के लावे की एक मोटी परत पाई जाती है। और यह मोटी परत, जो लावे की मोटी परत है, ये बेसाल्टिक लावे की है, एक बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। और यदि बेसाल्ट चट्टानों की है तो इसका मतलब यह है कि यह मुख्यतः काली मिट्टी के लिए या काली मिट्टी का इसी से निर्माण हुआ है। दो बातें समझिएगा, तो लावे से बनी जो बेसाल्ट चट्टानों पर उपजाऊ रेगुड़ मृदा की उत्पत्ति हुई है। महाराष्ट्र के पठार पर लावा को सबसे अधिक मोटाई लगभग 3 किलोमीटर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, 3 किलोमीटर ये पश्चिमी भाग में पाई जाती है। बिल्कुल बेटा, महाराष्ट्र पठार की सबसे विचित्र विशेषता इसका भ्रंश है। सबसे जो कह अद्भुत विशेषता है महाराष्ट्र के पठार की, वो है इसका फॉल्ट, इसका भ्रंशन पाया जाना, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर अरब सागर के तट पर 1000 किलोमीटर है। भारतीय प्रायद्वीप की अरब सागर की सीमा एक सीधी सरल रेखा के समान है, जो गोंडवाना महाद्वीप में भ्रंश पड़ने के कारण विकसित हुआ। गोंडवाना महाद्वीप में जब भ्रंशन की क्रिया हुई तो इस भ्रंशन पड़ने के कारण इसका विकास हुआ। एंड नेक्स्ट बिंदु पे हम चर्चा करते हैं, महाराष्ट्र के पठार के उत्तरी भाग में आप देख रहे हैं कि तापी नदी है,
ये आप देख रहे हैं कि तापी नदी है जो अरब सागर में अपना, अरबियन सी में अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। मुहाना का मतलब बेटा कि अरब तापी नदी जो अरब सागर में गिरती है। और ये पूर्व से आप देख रहे हैं, ये आपका ईस्ट है तो ये वेस्ट है। तो नर्मदा नदी ये भ्रंश के माध्यम से या भ्रंशों में प्रवाहित होने वाली पूर्व से पश्चिम की ओर एक प्रमुख नदी है, अरब सागर में गिराती। इस पठार के दक्षिणी भाग का ढलान उत्तर पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य, यदि हम मुख्य देखें तो नदियों के विवरण निम्नलिखित भी है, जिसमें एक पहला बिंदु है महानदी बेसिन। आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपका है महानदी बेसिन। ये महानदी बेसिन का मीन होता है बेटा कि जिन जिन क्षेत्रों पे या महानदी जो रिवर है, इस महानदी रिवर का अपवाह क्षेत्र बेसिन कहलाता है। इसका अपवाह क्षेत्र बेसिन कहलाता है। जैसे रायपुर, बिलासपुर तथा रायगढ़ जिलों का जल अपवाह महानदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। महानदी के बेसिन को छत्तीसगढ़ मैदान से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ जो यद मैदान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बिंदु, महानदी बेसिन में आर्कियन युग की चट्टानी विद्यमान है। इस मैदान में महानदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब और ओंग, इंद्रा और तेल उल्लेखनीय है। ये जो प्रमुख नदियां हैं। और अभी हम इन नदियों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे कहाँ पर, जब अभी बेटा कल से आपका सेशन होगा अपवाह तंत्र का, और जिस पर हम विस्तार से नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार हम आप लोगों को कमेंट दे ले बेटा। बेटा सौरभ कुमार जी, बेटा ये बेटा आप लोगों को माजिद हुसैन की जो बहुत ही अच्छी बुक है, माजिद हुसैन की भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो बहुत ही अच्छी बुक है, यहीं से बेटा आपको पूरा माजिद हुसैन का बुक कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इस बिंदु को देख सकते हैं। ओके, अगला बिंदु, और एक एक बिंदुओं को हम बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग इसके लिए बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए, बस केवल और केवल आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िए। इस मैदान की सीमाओं पर पहाड़ी एवं पठारों की भू आकृतियां फैली हुई हैं। लोमारी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पठार, रायगढ़ की पहाड़ियां इसका सीमांकन करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र जो कोरा है, इसी मैदान में स्थित है। गोंडवाना युग में जो निर्मित चट्टानों में उत्तम प्रकार का बिटुमिनस कोयला छत्तीसगढ़ बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान में ही प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ के मैदान में ही प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट, उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र का पठार लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध भिलाई कारखाने को कोयला कोरबा की खानों से प्राप्त सप्लाई किया जाता है। और इस मैदान की पश्चिम सीमा सागर स्तर से लगभग 700 से 900 मीटर ऊंची है। सबसे अधिक ऊंचाई मैकाल रेंज में पाई जाती है। इसकी सबसे अधिक जो ऊंचाई है वो मैकाल रेंज में पाई जाती है। इसकी दक्षिणी सीमा पर ढल्ली रजहरा की पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों में उत्तम प्रकार का जो लौह अयस्क है, हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। दूसरा, भिलाई कारखाने को, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भिलाई कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति ढल्ली रजहरा की खानों से भी प्राप्त की जाती है। एक तीसरा महत्वपूर्ण है कि गढ़जात की पहाड़ियों को उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जो गढ़जात की पहाड़ियां हैं, इन गढ़जात की पहाड़ियों को उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। गढ़जात की पहाड़ियां उत्तर में छोटा नागपुर पठार, पश्चिम में महानदी का बेसिन, दक्षिण में पूर्वी घाट और पूर्व में उत्कल का मैदान में इसका विस्तार है, ये फैला हुआ है। एक पांचवा है, उत्तरी दक्कन में ही गढ़जात की पहाड़ियों में आर्कियन युग की ग्रेनाइटिक नीस मैग्मा चट्टानी पाई जाती है। जो गढ़जात की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में आर्कियन युग की ग्रेनाइटिक नीस मैग्मा चट्टानी प्राप्त होती हैं। इन पहाड़ियों में गोंडवाना युग की चट्टानी तथा तलचर एवं बराकर तथा कमाथी श्रेणी एवं चट्टानी भी पाई जाती है।
तलचर बराकर एवं कमाथी श्रेणी एवं चट्टानी भी प्राप्त होती है। एक अगला महत्वपूर्ण है कि दंड कारण का पठार। दंड कारण, अब यहां से ध्यान दीजिए बेटा, जो दंड कारण का पठार है, ये दंड कारण एक तरंगित पठार है। यह पठार उड़ीसा के कोरापुट एवं कालाहांडी जिलों, बस्तर जनपद, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के श्री काककुलम, विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों में फैला हुआ है। इस प्रदेश में स्थित वेलाडीला एवं अबूझमाड़ भारत के सबसे धनी लौह अयस्क भंडारों में से एक है। महानदी एवं गोदावरी की सहायक नदियां इसका जल अपवाह करती हैं, जिनमें तेल, उदंती, महानदी की सहायक नदियां और गोदावरी की सेलूरू और सबरी सहायक नदियां प्रमुख हैं। अगला देखें, दक्कन के पठार के दक्षिणी भाग में कई छोटे पठार सम्मिलित हैं। दक्षिणी दक्कन का पठार, यहां से आप देख रहे हैं कि दक्षिणी दक्कन का पठार, जिसमें एक महत्वपूर्ण है कर्नाटक का पठार। ये आप देख रहे हैं कि ये आपका है कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका का जो पठार है। इस कर्नाटका का जो पठार है, इसका विस्तार यदि हम देखें तो पश्चिमी कर्नाटक से लेकर के और केरल राज्य तक है, उत्तरी केरल तक इसका विस्तार है। और यदि हम केरल का जिला कहें तो कन्नूर जिला तक है, कन्नूर जिलों तक इसका विस्तार है। इस कर्नाटक के प्लेट्यू में आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। दो प्रकार की चट्टानें, जो कर्नाटक का पठार है इसमें आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। कर्नाटक की पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कुंद्रे मुख है। यहाँ पर बेटा इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये है कुंद्रे मुख। यहाँ पर ये है बेटा आपका कुंद्रे मुख, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 1892 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुंद्रे मुख है। कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग को मलंद और दक्षिणी भाग को मैदान के नाम से जाना जाता है। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। जो कर्नाटक का पठार है, इस कर्नाटक के पठार का उत्तरी भाग मलंद कहलाता है और दक्षिणी जो भाग है वो मैदान के नाम से जाना जाता है। कावेरी एवं तुंगभद्रा नदियां इसका जल अपवाह करती हैं। इन नदियों की घाटियों में कई सुंदर ग्रीष्मकालीन पर्यटन केंद्र हैं, कई सुंदर ग्रीष्मकालीन पर्यटन केंद्र हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण है तेलंगाना का पठार। कर्नाटक के पठार के बाद एक महत्वपूर्ण है, ये है आपका तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना के पठार में सबसे ज्यादा जो मुख्यता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। धारवाड़ क्रम की युग की चट्टानें प्राप्त होती हैं। कावेरी के बेसिन में गोंडवाना तंत्र की चट्टानें भी पाई जाती हैं। जो कावेरी बेसिन है, जो कावेरी नदी का जल अपवाह क्षेत्र है, इस जल अपवाह क्षेत्र में गोंडवाना तंत्र की चट्टानें भी प्राप्त होती हैं। एंड नेक्स्ट यदि बात करें तो तमिलनाडु का पठार, दक्षिण सह्याद्री पर्वत और तमिलनाडु के तटीय मैदान बीच स्थित तमिलनाडु के पठार की चट्टानें मुख्यतः आर्कियन युग की हैं। मुख्यतः आर्कियन युग की। एक बार फिर से हम आपको यहाँ बताएं, कर्नाटक के पठार में जहाँ आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं, वहीं पर आपने देखा कि तेलंगाना के पठार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें तथा तमिलनाडु के पठार में आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। जवादी सेवराय, यहाँ पर आप देखेंगे बेटा जवादी सेवराय की पहाड़ियों में जो चार्नोकाइट्स प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कोयम्बटूर और अन्नामलाई के मध्य जो पाल कक्कड़ गए पालघाट के नाम से जाना जाता है, लगभग 24 किलोमीटर चौड़े इस दर्रे से होकर पूर्व पश्चिम दिशा में गायत्री नदी बहती है, जो तमिलनाडु को केरल के तट से जोड़ता है। एंड नेक्स्ट बिंदु है, एक है वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत या ताप्ती, इसका विस्तार ताप्ती नदी का जो मुहाना है, ये है आपका तापी रिवर। तो तापी रिवर से लेकर के इसका विस्तार यदि हम बात करें तो कन्याकुमारी तक
इसका विस्तार कन्याकुमारी तक, पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, ये है बेटा आपका उत्तर से दक्षिण की दिशा में ये विस्तृत है। अब कुछ लोगों को मन में आ रहा होगा कि सर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर में है, आप फिर से एक बार सुनिए बेटा। इसका जो विस्तार है वह, इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 16 किलोमीटर में इसका विस्तार है। बस समझ आई, इसका विस्तार 16 किलोमीटर में, 1600 किलो। इसका पश्चिमी ढलान तीव्र है और पूर्वी ढलान मंद है। मीन्स यदि हम ऐसी बात करें तो ऐसे कुछ है बेटा। इसका जो पश्चिमी ढलान है, यदि वेस्टर्न ढलान माना जाए तो ये क्या है, ये तीव्र है, लेकिन पूर्वी जो ढाल है वो मंद है। और इसका एक बात और समझिए बेटा, इस चूंकि पश्चिमी घाट का, इसीलिए जो दक्कन का क्षेत्र है ये एक शुष्क क्षेत्र होता है, क्योंकि इसके पर्वत जो विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती और ये शुष्क का क्षेत्र होता है। ढलान होता है पूर्वी। पश्चिमी घाट की उत्पत्ति अरब सागर के नीचे की ओर धंसने से डाउन ड्रफ्ट के कारण हुई है। सह्याद्री पर्वत भारतीय प्रायद्वीप के लिए जल विभाजक वाटर शेड का काम करता है, वाटर डिवाइडर का काम करता है बेटा, वाटर डिवाइडर शेड नहीं होता है, वाटर डिवाइडर का काम करता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां तीव्रगामी है। सरवती नदी पर अवस्थित जो गर्शोपा जोग वाटरफॉल, गर्शोपा यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनिएगा, गर्शोपा, ये गर्शोपा है, गर्शोपा जोग वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1 से लेकर 3000 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई है। और ये आप देख रहे हैं, ये आपके फिगर भी दिया है कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट की बात करें, पश्चिमी घाट से निकलकर जब ये कोई नदी या पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की दिशा में, यदि पश्चिमी घाट से कोई नदी या पूर्व की ओर बह रही है या दक्षिण पूर्व की ओर बह रही है, दक्षिण की पूर्व की ओर बह रही है, तो उन नदियों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख हैं। ये ध्यान से सुनिए बेटा, जो जो यदि हम बात करें कि एक जो पश्चिमी घाट में दो प्रकार की नदियां निकलती हैं, एक ऐसी नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और एक ऐसी नदियां जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी महत्वपूर्ण है। जो अरब सागर में और यहां से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट के मुख्य शिखरों में कुंद्रेमुख, पुष्पगिरी, कलसुबाई, तलहरी, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र उल्लेखनीय है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका है, ये आपका देख रहे हैं विभिन्न, पश्चिमी घाट पश्चिम में, पश्चिमी घाट दक्षिण में पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वतीय गांठ बनाती है। जो पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट है, एक मिनट हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि ये आपका मान लीजिए पश्चिमी घाट है और ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ये आपका एस्टर्न घाट है, तो यहीं पर ये मिल करके एक गांठ का निर्माण करते हैं और ये जहां पर मिलते हैं उस स्थान का नाम है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी। तो इस प्रकार नीलगिरी का सबसे ऊंचा जो शिखर दोदा बेट्या है, गांठ बनाते हैं जिसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, मान लीजिए दो स्थान है, एक यहाँ पर है, तो यहां से दोनों स्थान मिले तो जहां पर ये गांठ का निर्माण करते हैं, ऐसे स्थानों को कहा जाता है, ऐसे स्थानों को कहा जाता है नीलगिरी। नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर दूधा बेट्या है, जिसकी ऊंचाई 26-37 मीटर है। नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट स्थित है, पाल घाट के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां फैली हुई है, अनाई मुडी शिखर जिसकी सबसे ऊंची शिखर है और पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। दो बातें समझना है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची शिखर आपका जवाब होगा दूधा बेटा, लेकिन आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची शिखर अनाई मुडी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एंड नेक्स्ट बिंदु,
नेक्स्ट में प्रायद्वीप कुछ महत्वपूर्ण दर्रों पर्वतों कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं पर्वत पहाड़ी इत्यादि का, जैसे भोरघाट पश्चिमी घाट में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। एंड थाल घाट बेटा, सबसे पहले यदि आप कहें तो मान लीजिए ये एक कोई, ये हमने मान लिया थाल घाट, ये हमने कह दिया ये थाल घाट है, और दूसरा हमने कह दिया यहीं पे है, और ये मान लीजिए हमने कह दिया भोर घाट। तो थाल घाट ये नासिक टू मुंबई, यहां से ये क्या है, थाल घाट क्या करती है, तो ये नासिक को मुंबई से जोड़ती है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, ये नासिक को ये मुंबई से जोड़ती है और मुंबई को पुणे से जोड़ती है भोर घाट। आप यहां से देख रहे हैं, ये मान लीजिए दो है दर्रा, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये क्या है, ये आपका नासिक है, ये आपका मुंबई है, तो नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला जो दर्रा है, इस दर्रे को कहते हैं थाल घाट। एक ऐसा दर्रा जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई टू पुणे, ऐसे दर्रे को कहा जाता है भोर घाट। क्या कहा जाता है, ऐसे दर्रे को भोर घाट कहा जाता है। एंड नेक्स्ट बिंदु, गोरन घाट माउंट आबू के दक्षिण में स्थित गोरन घाट दर्रा उदयपुर नगर को सिरोही एवं जलौरी नगरों को जोड़ता है। गोरन घाट सागर स्तर से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर आसपास की निर्जन चट्टानों पर कांटेदार झाड़ियां एवं नागफनी विद्यमान है। एक तीसरा है हल्दी घाट, राजस्थान की अरावली श्रेणी का एक पर्वतीय दर्रा है, उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दर्रा है। ये राजसमंद को बेटा, ये ही आपको ध्यान देना है, ये राजसमंद को पीली जिलों से जोड़ता, सॉरी राजसमंद को जो पाली डिस्ट्रिक्ट है उस पाली डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्दी घाट पास, हल्दी घाट पास जो कि राजस्थान की अरावली श्रेणी का एक पर्वतीय दर्रा है, लेकिन यह राजसमंद को पाली डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। इसका नामकरण यहाँ पाई जाने वाली हल्दी जैसे पीले रंग वाली मृदा से हुआ है। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति और अंबेर की राजा मानसिंह के बीच 1576 की प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई यही हुई, और इस प्रकार ये दर्रा बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। बस बिल्कुल बेटा, तो इस प्रकार इस दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण दर्रा है। एंड अगला एक महत्वपूर्ण दर्रा है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पालघाट दर्रा, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित पालघाट को पल्लाकोट दर्रे के नाम से जाना जाता है। इस दर्रे में, इस दर्रे की ऊंचाई 75 मीटर से लेकर 300 मीटर के मध्य है, और ये कोच को, ये केरल राज्य के कोच एवं कोजी, ये कोझिकोड नगरों को जोड़ता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को केरल राज्य के कोची से जोड़ता है। ये एक दर्रा है पालघाट जो कोच को कोयम्बटूर से जोड़ता है, ये ऐसे कुछ है, और कोच टू कोयम्बटूर को जोड़ता है। एक अगला महत्वपूर्ण दर्रा है हरिश्चंद्र श्रेणी, दक्षिण महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत यह एक पर्वतमाला है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के पुणे एवं उस्मानाबाद जिलों में फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी विभिन्न प्रकार के जंगलों से ढकी हुई। एक है कलसुबाई, महाराष्ट्र में स्थित कलसुबाई पश्चिमी घाट की ऊंची श्रेणियों में एक है। सागर तल से इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है, और जनजातियों द्वारा इस श्रेणी का वन सभ्यता को भारी हानि हुई है। अगला एक महत्वपूर्ण है, वह है कुंद्रेमुख। एक महत्वपूर्ण श्रेणी है वो है कुंद्रेमुख। कर्नाटक में स्थित कुंद्रेमुख की ऊंचाई सागर स्तर से लगभग 1892 मीटर। कुंद्रेमुख लौह अयस्क की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। इस श्रेणी का लौह अयस्क मैग्नेटाइट हेमेटाइट प्रकार का है। भारत द्वारा ईरान को होने वाले लौह अयस्क निर्यात कुंद्रेमुख से मंगलोर बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। अगला एक महाबलेश्वर श्रेणी, महाबलेश्वर की ऊंचाई 1438 मीटर है। आप यहां से देख रहे हैं इसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र भी है। एक अगला है जोग जलप्रपात, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बहने वाली जो सरवती नदी है, इस सरवती नदी पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। ये सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। नीलगिरी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में नीलगिरी पर्वत स्थित है। लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर पर फैली नीलगिरी की ऊंचाई 2500 मीटर तक है।
दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों में से एक उधामंडल ऊटी यही स्थित है। एंड अगला है एक पुष्पगिरी। भारतीय प्रायद्वीप की सर्वोच्च चोटियों में से एक पुष्पगिरी भी एक है, जिसकी ऊंचाई 1714 मीटर है। इसके ढलानों पर द्रविड़ मूल की जनजातियां यह रहती हैं। वनों को काटने और जलानों से पुष्पगिरी वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। सलहेर एक महत्वपूर्ण जो है, सलहेर मालेगांव एवं नासिक के बीच स्थित सलहेर की पहाड़ियां समुद्र तल से 1567 मीटर ऊंची है। वनों को जलाने और काटने के कारण न केवल यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में कमी आई है, बल्कि यहाँ बहुत सी पर्यावरण एवं पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। एक मिनट बेटा, एक और यहाँ पर है, एक महत्वपूर्ण है, वो है थाल घाट। आप देख रहे हैं कि तो इस प्रकार यहाँ पे है थाल घाट। थाल घाट पश्चिमी घाट नासिक टू मुंबई से जोड़ता है। ये सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है, और थाल घाट ये हमने आपको बता ही दिया है। अब एक अगला है पूर्वी घाट। ये आप देख रहे हैं, ये इसको आप कहते हो, ये क्या है आपका, पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट इसका विस्तार दक्कन के पठार का पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। पूर्वी घाट में छोटी बड़ी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये पूर्वी घाट एक सतत रूप में ना प्राप्त होकर के असतत रूप में प्राप्त होती है। ये बात आपको ध्यान देना है बेटा कि जो ये प्राप्त होती हैं, ये सतत रूप में ना प्राप्त होकर के असतत रूप में प्राप्त होती हैं। इन पहाड़ियों की संरचना जटिल ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से मिलित भी है। इनको पूर्वी घाट के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। महानदी गोदावरी के बीच पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। लगभग 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिल्कुल बेटा, तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश में अवस्थित जो अरोया कोंडा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई सागर स्तर से 1680 मीटर दूसरा सबसे ऊंचा शिखर। देवरी मुंडा उड़ीसा 1598 मीटर है। इनके अतिरिक्त सिंधराजू और निमालगिरी कोरापुट में स्थित है, जबकि महेंद्रगिरी गंजम जिले में स्थित है। ये गंजम जिले में स्थित है। पूर्वी घाट की प्रमुख चट्टानों में कोनोडालाइट तथा चार्नोकाइट प्रमुख है। ये ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों में सम्मिलित है। कृष्णा नदी से लेकर चेन्नई नगर की दूरी में जो कोंडा बीडू, नल्ला मलाई, बेली कोंडा, पाल कोंडा, जो इसमाला श्रेणियां फैली हुई है। यदि यहीं पर देखोगे तो विभिन्न श्रेणियां यहां पर फैली हुई हैं। बिल्कुल बेटा, तो यहां पर आप इस बिंदु को देख रहे हैं। एंड पूर्वी घाट की चट्टानों में कोनोडालाइट तथा चार्नोकाइट प्रमुख है। ये ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों में सम्मिलित होती है। कृष्णा नदी से लेकर चेन्नई नगर की दूरी में कोंडा बीडू, नल्ला मलाई, बेली कोंडा, पाल कोंडा और इसमला श्रेणियां फैली हुई हैं। इस श्रेणियों की निरंतरता सेसाचलम, कुडप्पा और अनंतपुर जिलों में फैली श्रेणियां एवं जवादी, सेवराय, पंचमलाई, शिरुमलाई, वारूसनाट इत्यादि पहाड़ियां श्रेणियों में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार बेटा, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपका प्रायद्वीपीय भारत सहित आपका भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश थे, ये भारत के भू आकृतिक प्रदेश कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग पढ़ेंगे बेटा सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान और सिंधु गंगा का मैदान। हाँ जी बिल्कुल बेटा, सिंधु गंगा के मैदान में, हाँ जी, यूपीए हमारे यहाँ प्रत्येक संडे को सुबह 11 बजे अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें जिसमें आपको बेटा 60 मिनट में 56 50 क्वेश्चन करने हैं। एंड यदि इसमें बेटा एंड 10 14 नवंबर हो चुका बेटा, हमारे यहाँ प्रत्येक सुबह 11 बजे होगा। यदि आप रैंक 1 से 3 प्राप्त करते हैं तो 1 ईयर यूपीएससी सीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। यदि आप रैंक 4 to 10 प्राप्त करते हैं 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 से 50 प्राप्त करते हैं 50% का स्कॉलरशिप, एंड रैंक 51 to 500 प्राप्त करते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपकी जर्नी कुछ ऐसे तय कराई जाएगी। आप देख रहे हैं, यदि आप 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 वर्षों के में सब्सक्रिप्शन तो आपकी जर्नी कुछ ऐसे तय कराई जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से देख सकते हैं। सभी बच्चे बेटा सेशन को लाइक कर दें,
सेशन को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें बेटा, और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं कल 11 बजे, सॉरी कल हम लोग मिलते हैं शाम 4 PM पर, सेम सेम टाइम पर बेटा, 4 PM के साथ हम लोग कल मिलते हैं पुनः।